सुलझी हुई लड़की है, बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और नेचर वाइज बहुत सिंपल सी है, अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती है। मेरा नाम निकिता मुटवानी है और मैं अब कुछ मुझे अपनी सिस्टर के लिए करना है। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ें, अभी शादी नहीं करें क्योंकि अभी इनकी एज नहीं है शादी करने की, ये कुछ अचीव करें लाइफ में, ये मेरा फंडा है और इसके लिए मतलब मैं सबसे लड़ने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं। मेरी मॉम भी कहीं ना कहीं लगी रहती हैं डैड को समझाने में कि नहीं, शी शुड स्टडी, अभी इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो यही इसी स्ट्रगल में हमारी स्टोरी जा रही है, कैसे एक सिस्टरहुड शो कर रहे हैं हम लोग, बस यही है और चाहती हूँ कि ये कुछ अच्छे से अचीव करें। नॉर्मली बहुत से शोज होते हैं ऐसे, लगता है टिपिकल स्टोरी है, बट हम इसको टिपिकल नहीं बनाना चाहते। हम अपने परफॉर्मेंस से या अपने में अपनी एक न्यू क्रिएटिविटी लाइक करके हम इसको डिफरेंट बनाएंगे, डेफिनेटली। राइट राइट। हाय, मेरा नाम परिंदा है और मैं इसमें प्रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही एम्बिशियस है, फ्री है, बिंदास है और खुशबू की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे कि उसको पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है, तो मैं कैसे भी करके वो चाहती हूँ कि नहीं वो आगे बढ़े, मैं उसको और ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड करती हूँ कि शादी वादी कुछ नहीं करना है, हमें पढ़ना है, अभी बहुत कुछ है लाइफ में आगे देखने के लिए। तो उस तरह से मैं उसको ट्राई कर रही हूँ कि भाई तू शादी से ना अभी दूर ही रहे। एग्जैक्टली। और इस सीरियल के थ्रू हमारा कहीं ना कहीं ये मैसेज बाकी लड़कियों के लिए भी जाता है कि शादी सब कुछ नहीं है, यू नेवर नो, आपकी लाइफ शायद रुक जाती है शादी के बाद, एंड अगर आप कुछ अचीव करते हैं अपने करियर में तो आप और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं अपने पास। तो ये मैसेज जा रहा है इस सीरियल के थ्रू सबके पास। उसको अगर आपके किरदार की बात करें और जैसे शादी की बात चल रही है तो इतना जल्दी, अभी तो खेलने खाने का समय है, तो क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई शादी करने की? वही है कि मेरी फैमिली को पड़ी है, मुझे नहीं पड़ी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लाइक 12th के बाद हर एक फैमिली में होता है कि बस अब लड़की की शादी करनी चाहिए, बट हमारा स्टोरी ऐसी नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ, खुशबू ऐसी नहीं है, बीना भी ऐसी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, लड़की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक जगह पे लड़कियों को नीचे मतलब सोच वाइज है, बट अभी तो ऐसा बहुत नहीं है। खुशी है हम लोगों को इस चीज़ की। हमारा शो भी ऐसा है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, 12th के बाद भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं काफ़ी लोगों को जवाब भी देने वाली हूँ सीरियल। खुशबू, कहीं ना कहीं आपका किरदार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित लगता है? हाँ, कह सकते हैं आप। अभी तो काफ़ी लोग ऐसे शो, मैंने जैसे पहले भी बोला टिपिकल लगेगा, पर ये स्टोरी है नहीं वैसी। मेरे आगे भी कई ऐसे हैं जहाँ पे मैंने फेस किया है कई ऐसे लोगों को सीरियल में, जिनको मैं जवाब देती हूँ कि क्यों मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं दूसरों के लिए नहीं अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ। ट्विस्ट की बात करें तो क्या है इसमें, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट तो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा कि ट्विस्ट क्या है। अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो क्या करना चाहिए? हमारे सर डायरेक्टर सर बहुत ही उनका काम बहुत मतलब हम लोग को फ्री छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्ट को बांध के नहीं रखते वो, कि वो ये नहीं सोच आप क्या करना चाहते हो वो करो, फिर मैं बताऊँगा कि वो सही है या नहीं है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय करते हैं हम सर के साथ काम करके। राइट। और हम चाहते हैं कि हम जैसे मेकअप रूम्स में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वैसे ही रहें, सो दैट नेचुरलिटी दिखे लोगों को। Exactly. और ये एक डायरेक्टर और आर्टिस्ट के बीच का पेस है कि वो कैसे आपको छोड़ देते हैं और उसके बाद वो कैमरा के पीछे बैठे हैं आपको इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो बस यही है, मजा कर रहे हैं हम लोग। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने इस सीरियल के लिए? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें प्यार दें, सपोर्ट दें, हमारे सीरियल को पसंद करें, ताकि हम लोग अपने आप को और इम्प्रूव करें, अच्छा काम करें, आप लोगों तक अच्छी मैसेज भेजें। बस मैं यही चाहती हूँ। सीरियल का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ उनको देखो, इन्जॉय करो, उनसे लर्न भी करो। तो हम चाहते हैं हम अच्छा मैसेज दें।
ये एक पायलट शूट है जो डीडी के लिए हम लोग वर्क आउट कर रहे हैं, और इसका जो सबसे यूएसपी ये है कि ये टोटल जो कहानी का मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़की है, एक ऐसी लड़की है जो पूरी तरीके से समाज के अंदर लड़कियों को हक दिलाने की पूरी कोशिश करती है, उसको लेकर पूरा ताना बाना बुना है। और इसको लिखने का जो पूरा श्रेय जाता है वो हमारे राइटर साहब हैं लव सिंह ठाकुर जी। इन्होंने बहुत ही काफ़ी पढ़ने रिसर्च करने के बाद काफ़ी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड किया है, और इंक्लूड करने के बाद अब उसको हम लोग सेलुलॉइड का रूप दे रहे हैं। आज जो हम लोग शूट कर रहे हैं उसके अंदर उसको जिन्होंने पेपर को उतारा है उसको सेलुलॉइड पर उतारा जा रहा है, उसी का पूरा ताला बना है। सर क्या कह सकते हैं इससे, क्या मैसेज जाएगा समाज को? इसका जो मेन मोटिव ये है सीरियल बनाने के पीछे जो मैसेज देने का, जो गुप्ता जी हमारे जो गुप्ता जी हैं ये इन्होंने अब तक जितने भी टेलीविज़न शोज़ पहले बनाए हैं और छोटी छोटी फिल्में बनाते रहते हैं, तो उसमें मेन है कि समाज के अंदर जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए जो हमारे देश में नहीं मिलता है, और ख़ास करके जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पर एजुकेशन की जो पावर है वहाँ की महिलाओं को लड़कियों को नहीं मालूम है, तो हमारी कोशिश ये है कि टेलीविज़न के द्वारा हम उसे वहाँ तक पहुँचाए और उन्हें उनका हक मिले और अपनी हक की लड़ाई आगे लड़ पाए। रामेश्वर जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस अब राइटर साहब बताएंगे अपने हमारी कहानी में हमने सिर्फ लेडी को मेन प्रोटोगेस्ट बनाया है, क्या कि अक्सर अपने यहाँ बातें होती है कि भाई लेडीज को ये हक दो वो हक दो वो हक दो, मगर दिया नहीं जाता है। शहर की अलग बात नहीं, गाँव में अभी चले जाओ तो 8 तक लड़की पढ़ ली शादी कर दो, 10 तक पढ़ ली शादी कर दो, और कई घर में ऐसा होता है कि अगर 2-3 बहनें हैं तो बड़ी बहन ने बहुत पढ़ लिया उसके बाद भी उसकी शादी हो गई और घर किसी के घर में जाके वो हाउसवाइफ बन जाती है, तो घर में उनके माँ बाप का सोचना ये हो जाता है कि जब बड़ी बेटी ने पढ़ लिख के क्या किया, अभी हाउसवाइफ ही है ना तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम भी उससे कम पढ़ो और शादी करके आखिर तो घर में ही बसना है। मैं अभी ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी बेटी ने किया वही छोटी बेटी करेगी, छोटी बेटी हमारी कहानी में कहती है कि जरूरी जो दीदी ने किया वो मैं करूँ, दीदी अपना पढ़ लिख कर हाउसवाइफ बन गई लेकिन मैं नहीं बनूंगी, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर तुमको दिखाऊंगी। और जो हमेशा आप बोलते रहते हैं कि मेरा एक बेटा होता तो अच्छा था, बेटा होता अच्छा था, तो मैं तुमको बेटा बनकर दिखाऊंगी, ये हमारी कहानी का मेन उद्देश्य है। बेसिक जो मैं जहाँ तक मैंने इसको समझा है कि जो लव जी ने इसको उतारा है कि वंस है कि वंस द गर्ल्स आर एजुकेटेड नाउ शी कैन डू एनीथिंग, अगर लड़की पढ़ेगी तभी कुछ करेगी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है खास करके आज के दौर में, अगर आप लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो जब तक पढ़ेगी नहीं तो उसको उसके जो अधिकार है उसका उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, अधिकारों का जब मालूम पड़ता है तभी वो लड़की आगे चल के कुछ कर पाती है, उसी को लेकर पूरा ताला बांधा है इसका। गुप्ता जी आप कुछ बात बोलेंगे आज के जो शूट पर? नहीं अभी तो मैंने बहुत सारे बोल दिए, अभी मैं क्या बोलूँगा। जो आज शूटिंग चल रही है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह शूटिंग हो रही है, लोकेशन में क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी वो डायरेक्टर साहब ही बताएंगे लोकेशन के बारे में, हम क्या बताएंगे, हम तो पैसे लगाते हैं राइटर और डायरेक्टर ये लोग करते हैं। गुप्ता जी चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, अभी तो बांटने के लिए पैसे भी मुश्किल से मिल रहे हैं भाई। कैसे भी करके इकट्ठे किए हैं, अभी पैसे रह के भी नहीं मिल रहे तो मुश्किल आ रही है काम करने। हाँ बहुत बहुत आ रही है, क्या करें, नोटबंदी का असर आप पे कुछ ज्यादा पड़ा है? अरे बहुत ही पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे अभी क्या करें, अभी कर ही रहे हैं, कैसा भी अपना सूट तो करना था कि किसी तरह हम कर रहे हैं। कोई विकल्प है आपके पास? नहीं अभी कोई विकल्प नहीं, कोई रोड मैप आपने तैयार किया है नोटबंदी को लेकर? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं तैयार किया नोटबंदी को लेकर, जो मैप तैयार किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, हम क्या, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं कि एज फॉर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो भी पेमेंट्स आज हम लोग कर रहे हैं वो सब डिजिटल इंडिया के द्वारा चेक से कर रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कैश की आपको मालूम है किल्लत है, कैश इस समय है नहीं, तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी टीम है जो पहले कैश में लेते थे अब उनको हम लोग चेक में दे रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री जो हमारी चलती है यहाँ पे काफ़ी सारा जो लेन देन होता है वो कैश में होता है, लेकिन अभी ड्यू टू क्राइसिस ऑफ मनी तो अभी सारी पेमेंट तो चेक द्वारा ही हो रही है, तो टीवी इंडस्ट्री भी कैशलेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। नॉट ओनली टीवी इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो आज उसकी प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन मेरा ये ऐसा इंडिविजुअली मानना है कि जो भी मैं काम जो हुआ है, जो नोटबंदी हुई है, ये आगे चल के इसका बेटरमेंट मिलेगा, और लोगों को जिस चीज़ के अब तक क्या बोलते हैं
इस बात को लेकर लोग फंसते थे कि भाई हमको पैसे पूरे नहीं मिलते हैं, बीच में पैसे को खा जाता है, तो अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो पेमेंट जो भी मिलेगी चेक से मिलेगी, या चेक से मिलेगी तो बीच का जो बीच के जो भी लोग होते थे वो हर जगह होते हैं या इंडस्ट्री में होते थे, अब नहीं होते। मेरा नाम है अंकुर शर्मा। इस सीरियल में मेरे कैरेक्टर का नाम है सचिन और मैं रहने वाला, मैं बिलोंग करता हूँ रुड़की उत्तराखंड से। उत्तराखंड से और यहाँ बॉलीवुड तक का कैसा सफर रहा? देखिए अगर सफर की बात करें तो सफर बहुत ही बहुत कठिन है, डगरपन कठिन। हाँ कठिन तो है, लेकिन अगर आपके दिल में पैशन हो, दिल में उम्मीद हो, तो वो रहा आसान हो ही जाती है। फाइनली यहाँ पे पहुँच के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन देखना है कि कहाँ तक लेके जाएगा ये सफर। मेरा नाम निदा खान है और मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रियंका। मैं मुंबई से हूँ, प्रॉपर मुंबई से हूँ, मैं यहीं पैदा हुई। और हमारे सीरियल के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि एक नया शो है डीडी का, और वो रामेश्वर सर जो हैं हमारे प्रोड्यूसर सर, उन्होंने हमें मौका दिया है, उनके साथ काम करना अभी हमने शुरू किया है। अब देखिए धीरे धीरे अच्छा हो सकता है कुछ हमारे बारे में। हाँ मुंबई में यही रहते हैं, लोखंड वाला अंधेरी। हाँ, मड तक पहुँचने में कितना समय लगा? 15-20 मिनट लगते हैं मड तक आने के लिए, बट हाँ रास्ता थोड़ा मुश्किल है, दूर से आना पड़ता है, बोट का सहारा लेना पड़ता है, तो लोकेशन थोड़ा दूर है, बट ठीक है। हैप्पी हो, खुश हो? हैप्पी है, हाँ हम हैप्पी हैं। जी मेरा नाम मोहित बडेरा है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, और इस सीरियल में काफ़ी कुछ नया है जो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें किरदार है, और मेरा इसमें किरदार योगेश का है जो एक खुशबू का और अंकुर जी का बेस्ट फ्रेंड का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। पंजाब के लोग तो ज़्यादातर बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप सीरियल में? ये मेरे प्रोड्यूसर जी बता सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?